अब आता है नेक्स्ट वियर रेजिस्टेंस स्टील, ये हमारा एक स्पेशल कैटेगरी का स्टील हो गया, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड नंबर का स्टील है, अब जो पूरे स्टील की क्लासिफिकेशन हम जो पढ़ रहे थे उसमें से पहले नंबर कौन सा था हमारा, प्लेन कार्बन स्टील, दूसरे नंबर का था कौन सा, एलॉय स्टील, ठीक है। ये अभी तक जो चल रहा था एलॉय स्टील के अंदर ही चल रहा था, ये जो अभी तक हमने पढ़ा सारा एलॉय स्टील के अंदर से था। अब थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन है कौन सा हमारा, वियर रेजिस्टेंस स्टील, ठीक है। तो जो हम स्टील के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस स्टील के क्लासिफिकेशन के अंदर ये था, पहला नंबर का, दूसरे नंबर का एंड ये थर्ड नंबर का। अब जाकर के यहाँ पे हम आए थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन। तो अभी तक जितने भी हमने क्लासेस करी, 10-12 क्लासेस जितनी भी पढ़ी, उनमें हमने जो पढ़े थे वो सारे कौन से थे, एलॉय स्टील को पढ़ रहे थे अभी तक हम, और उसका डेजिग्नेशन पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं हम वियर रेजिस्टेंस स्टील की बात करेंगे, नंबर थ्री। ये हमारा बेसिकली जो क्लासिफिकेशन चल रहा था उसका नंबर थर्ड है। अब यहाँ पे इसको भी दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए है हाई मैग्नीज वियर रेजिस्टेंस स्टील, वियर रेजिस्टेंट ऑस्टेनाइट स्टील। तो इसके केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या केमिकल कंपोजिशन होगा, कार्बन का 1 से लेके 1.4% तक इसमें कार्बन अवेलेबल होगा, मैग्नीशियम जो होगा 11 से 12% मैग्नीशियम। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ हाई मैग्नीज, हाई मैग्नीज का मतलब हो गया मैग्नीज का परसेंटेज या मैग्नीशियम का परसेंटेज जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 से 12% मैग्नीज अवेलेबल है इसमें, ठीक है। इसी तरह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखिए, टेंसाइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द एलोंगेशन, जब हम उसको टेंसाइल लोड लगाएंगे तो कितने परसेंटेज एलोंगेशन में, 40% का एलोंगेशन वो स्टील दे सकता है। ब्रिटल हार्डनेस कितनी होगी, केस लिखा 550 एंड कोर मतलब 200। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, हार्डनेस करते हैं या इस तरह का स्टील होगा, तो उसका जो केस होगा या आउटर सरफेस होगा वो कितना हार्ड होगा, 550 ब्रिटल हार्डनेस नंबर, ठीक है। BHN होगा कितना, BHN मतलब ब्रिटल हार्डनेस नंबर, एक हार्डनेस सेक्शन होता है वो ये बताता है कि कितनी हार्डनेस है या सरफेस की क्या हार्डनेस है। अगर हम अंदर की बात करें, कोर, कोर मतलब सेंटर में या मटेरियल के अंदर कितनी हार्डनेस होगी, तो ये होगा 200 ब्रिटल हार्डनेस नंबर, BHN। तो 200 या 200 बताएगा आपको। इसका मतलब ये है कि इस ग्रेड के स्टील का जो होगा आउटर सर्फेस ज्यादा हार्ड होगा और इनर सर्फेस जो होगा वो थोड़ा सा हार्डनेस उसकी कम होगी, ये 200 के आसपास होगा। और यहाँ पे आउटर सरफेस जो होगा वो कितना होगा, 550। तो यही बताता केस मतलब आउटर सरफेस और कोर का मतलब इनर एरिया। हीट ट्रीटमेंट, कौन सी हीट ट्रीटमेंट की जाती है, फिनिश्ड बाय वाटर क्वेंचिंग फ्रॉम 1150 डिग्री सेल्सियस टू कीप कार्बाइड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हम कहते हैं क्या, क्वेंचिंग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्वेंचिंग क्यों की जाती है, क्वेंचिंग करते हैं हम ताकि आपका सरफेस जो है उसकी हार्डनेस को इंप्रूव किया जा सके। तो हम क्या करते हैं 1050 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्वेंच करते हैं डायरेक्टली, ताकि आपका जो भी कार्बाइड है, जो कार्बाइड अवेलेबल है उस टेम्परेचर रेंज पे, वो सॉलिड सॉल्यूशन में बना रहे, ताकि आपकी हार्डनेस जो है स्टील की मेंटेन रहे या हाई हार्डनेस के फॉर्म में वो अवेलेबल रहे, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशंस देखिए इसके, जॉ क्रशिंग मशीनरीज होती है, क्रशिंग मशीन जो होती है, जो जिनके जो जॉ होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, जो किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल को क्रश करते हैं, ठीक है। डीग्रेडिंग इक्विपमेंट्स, ट्रम्बलर्स, बकेट्स, ठीक है, जो भी आपके एक्सकलेटर्स होते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं मड को एक्सकलेट करते हैं, तो उसमें जो भी टम्बलर्स होते हैं या बकेट्स होते हैं उनके वो हाई वियर रेजिस्टेंस होते हैं, जिससे आपका क्या होता है मटेरियल जो है वो वियर नहीं होता आपका, इजिली क्या करती है किया जा सकता है, डिग्रेडिंग किया जा सकता है इक्विपमेंट्स का। नंबर थ्री, रेलवे ट्रैक वर्क में कहीं कहीं यूज किया जाता है इसको। फिर उसके बाद डिगर टीथ, जो डिगर्स होते हैं जो मट्टी खोदने वाले या जो मड को खोदा जाता है उनके जो टीथ होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। एलिवेटर चेन्स में इसका यूज किया जाता है, ये जो होता है एलिवेटर मतलब जो आपके जो लिफ्ट होती है उनमें चेन लगी होती है उनमें इनका यूज किया जाता है। तो इतने तरह के ये इनके यूजेस हैं वियर रेजिस्टेंस स्टील के। नंबर वन कौन सा, हाई मैग्नीज वियर रेजिस्टेंस स्टील का। एंड द लास्ट कम्स हाई कार्बन, नंबर टू है हाई कार्बन हाई क्रोमियम वियर रेजिस्टेंस स्टील, हाई कार्बन हाई क्रोमियम वियर रेजिस्टेंस स्टील। अब यहां पे इसकी बात करेंगे हाई कार्बन हाई क्रोमियम वियर रेजिस्टेंस स्टील की। तो कार्बन का परसेंटेज देखिए यहां पे 1.5 से 2.5 तक कर दिया गया है, क्रोमियम का परसेंटेज जो है 12 कर दिया गया, 12% कर दिया गया है, मोलिब्डेनम का परसेंटेज 1% है, वेनेडियम का परसेंट 0.25% है। तो इस तरह से ये ग्रेड में अवेलेबल होता है हाई कार्बन हाई क्रोमियम वियर रेजिस्टेंस स्टील, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ऑयल या एयर क्वेंचिंग करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं ऑयल या फिर एयर क्वेंचिंग करते हैं, ऑयल में क्वेंच करेंगे या फिर एयर में हम उसको क्वेंच करेंगे छोड़ देंगे।
स्पेशल कार्बाइड प्रेजेंट इन द स्टील मेक्स इट वेरी रेजिस्टेंस टू द टेम्परिंग अराउंड 50 to 59 रॉकवेल हार्डनेस रॉकवेल सी, ठीक है, सी बीइंग रिटेन्ड आफ्टर टेम्परिंग एट 315 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हार्डनेस उसमें अवेलेबल होगी वो बहुत ज्यादा हाई हार्डनेस होगी और 58 to 59% रॉकवेल का रॉकवेल नंबर की हार्डनेस में होगी। तो 58 या 59 के आसपास रॉकवेल हार्डनेस नंबर इसके अंदर होता है। इनके एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि वेरी डीप हार्डनिंग, ठीक है, ये जो इसके स्टील जो होगा वो उसके कैसे यूजेस किए जाएंगे, वेरी डीप हार्डनिंग मतलब जो सरफेस हार्डनेस होगी उसकी वो डेप्थ तक उसकी हार्डनेस अवेलेबल होंगी, ठीक है, तो आप उसको बहुत ज्यादा ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वियर होने के चांसेस हैं अंडर डेप्थ तक। हैविंग अ लो थर्मल कंडक्टिविटी, तो हम ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते जहां पे इनके थर्मल कंडक्टिविटी का यूटिलाइजेशन हो, या ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां पे हमको एज ए इंसुलेटर या इस तरह से टूल्स में हम ज्यादा यूज कर सकते हैं ताकि आपका हीट जो है वो क्या करे, ज्यादा ट्रांसमिट ना हो उस मटेरियल के ऊपर से। नंबर थ्री, रिक्वायर्ड स्लो हीटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें स्लो हीटिंग की जरूरत होती है। रिक्वायर्स केयरफुल हीट ट्रीटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ द डीकार्बोनाइजेशन, तो इसमें जब हीट ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत केयरफुली करना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, डीकार्बोनाइजेशन को अवॉइडेंस करना है, मतलब कि कार्बोनाइजेशन जो डीकार्बोनाइजेशन है उसको रोकना है हमको, अवॉइड करना माने या कि हमको उसको रोकना है।